विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमओ न्यू बिल्डिंग से जागरूकता रैली निकाली, जिसमें महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से परिवार नियोजन संबंधित विविध संदेशों को तख्तियों पर लिखकर आम जन को जागरूक करने का कार्य किया गया। वहीं रैली में सारथी वाहन भी शामिल हुए, जो शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन का संदेश देने के साथ ही अस्थायी साधन भी उपलब्ध कराएगा। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर, मुख्य अधीक्षक डॉक्टर जय कुमार, नोडल अधिकारी डॉक्टर ए.के. चौधरी सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। कि वो बुढ़ापे में सेवा करेगा, पर बेटियां भी तो अपनी माँ बाप का ख्याल रखती हैं। यही सोचकर हम दोनों ने फैसला किया और अपने गाँव की आशा से बात की। आशा ने बताया कि इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 1989 से जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है जच्चा बच्चा स्वस्थ रहें, समाज में लिंगानुपात ठीक रहे तथा आबादी नियंत्रण में रहे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया की आबादी हमारी 8 अरब के ऊपर पहुंच चुकी है। भारत की आबादी 1 अरब 41 करोड़ के ऊपर जा चुकी है और उत्तर प्रदेश जो है 25 करोड़ के ऊपर हो चुका है। इन सब के दृष्टिगत आज जनसंख्या नियंत्रण अत्यधिक आवश्यक है। एक जमाने में कहा जाता था हुई हैं लाल कटी हैं काल, अब इस परिकल्पना को हम सब लोगों को बदल देना है। अब जो है हमें अपना परिवार सीमित रखना है। 2 बच्चे हम दो हमारे दो का नारा सर्वोत्तम नारा है। इसी को लोगों में जन जागरूकता और जागरूकता फैलाने के लिए तथा हमारे अन्य माँ बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, लिंगानुपात के बारे में और परिवार नियोजन की जो हमारी विधियाँ होती हैं उनको अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए आज हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। केवल यही नहीं होता है कि जनसंख्या नियंत्रण ही में करना है, उसमें जो हमारे बच्चे पैदा होते हैं उनका किस तरह से जो है लालन पालन हो कि जो है स्वास्थ्य उनका बेहतर रहे, लिंग का अनुपात दोनों में महिला और पुरुष का बराबर रहे, इस दृष्टिकोण से ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसी कार्यक्रम की एक रैली निकाली थी हमारे स्वास्थ्य विभाग ने और उसको हम लोगों ने झंडी दिखाई और उनको उनकी रैली में भाग लिया। और इस दृष्टिकोण से किस तरह से कार्यक्रम हो कि स्वास्थ्य बच्चों का बेहतर हो, आने वाले नौनिहाल हमारे स्वस्थ पैदा हों और स्वस्थ रहें, बस इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये